हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग को मेरे चैनल पे स्वागत है और सुबह का भी मॉर्निंग क्या, सुबह का 10:30 बज रहे हैं और मैं सोची थोड़ा सा आप लोग से कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर दूं जो शायद हो सके दूसरों लोग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं बहुत सोचते इस चीज़ को, इस टॉपिक को रखी हूँ कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सोची हो सकता मैं बना करी के देख लेती हूँ। हमारी चीज़ें हो सकता किसी और को भी ज़्यादा मोटिवेट कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसी बातों को सोचते सोची कि आज मैं इस पर वीडियो बना ही दे रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इधर बीच में देख रही हूँ जो चीज़ें हो रही हैं उसी पे मैं फोकस करते हुए मैं इस चीज़ को रख रही हूँ, इस वीडियो को बनाई हूँ कि आप लोग भी इसको देखें और सुनिए, हो सकता है समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना घुमाते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। ऐसे होता है क्या कि जब हम कोई काम करते हैं, मेरा मानना है काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम इंसान के जीवन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम तो काम, हम काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, जो कोई भी करता है, एनीवन कोई भी काम कर रहा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम सबका काम होता है, बट कुछ लोग की सोचे होती, हो सकता हो छोटा बड़ा, अब हमको नहीं मालूम, लेकिन काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसी का भी गलत तरीके से कोई चीज़ नहीं लेना है, ना हमें उसे झूठ बोलना है, ना मैं उसकी कोई चीज़ को किसी से चोरी करके कोई चीज़ ले लूं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अपनी कमाई जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने काम से आप खुश रही वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। उसमें ना एक अलग सी खुशी जो होती है वो चीज़ें होती है। और होता क्या है कि अपनी छोटी छोटी जब होती है कमाई या खुशियां होती है ना, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और जो चीज़ किसी से लेना मांगना, अलग तरीके का भाव आ जाता है, तो मेरा मानना है। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि जब कुछ आप अच्छा काम करने जाते हो ना, स्टार्ट करते हो, तो आपको पीछे से काफ़ी लोग गिराने के लिए, धराशाही करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं, जजमेंट भी करते हैं, कई चीज़ें ऐसे करते हैं जो लोग करते रहते हैं कि किस तरीके से इसको ऐसा करूं कि ये गिर जाए, आगे ना बढ़े, या ऐसी चीज़ें ना उस, या उसका सिचुएशन जो भी, उसकी समझदारी अपनी भी हो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। बस मैं ये जानती हूँ किसी भी इंसान को अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसे आप मोटिवेट करिए, ना कि डीमोटिवेट करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो कमेंट में भी देखते हैं किसी लोग को क्या क्या शब्द बोल देते हैं कि अरे तुम तो ऐसी हो, तुम्हारे घर ऐसे, तुम ऐसी हो। अरे यार क्या है, कुछ भी है, वो अपना काम कर रही है, अपना काम करके कमा रही, चाहे जो कर रही जैसे कर रही वो अपना कर रही है, आपसे मांगने नहीं आ रही है। आप कौन होते हो जजमेंट करने वाले? आप तो उसके दुख में भी नहीं खड़े होंगे। अगर वो एक टाइम भोजन नहीं करेगा तो आप उसे पहुंचाने नहीं जाओगे, तो आप नहीं कुछ कर सकते। कब कौन करता है जजमेंट, कौन उसके लिए सही है? जो उसके हर पल, हर सुख दुख समय पे खड़ा रहता है वो उसे जज कर सकता है, वो उसे हर चीज़ पे रोक टोक सकता है, बाकी और कोई का अधिकार नहीं है। अधिकार के लिए भी लोग को सोचना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आप ना करिए कि किसी चीज़ को आप परेशान, किसी को भी, एनीवन किसी को भी आप परेशान मत करिए, मेरा मानना है। जब हम कदम कोई उठा, कहते ना ऊंचाई कुछ कदम छूने जाते हैं, जब तक हम नीचे रहते हैं, हम कोई लक्ष्य नहीं पा लेते हैं, अच्छी पोजीशन पे नहीं आते हैं, तब तक आप लोग, आपको धराशाही करने खातिर लोग लगे रहेंगे किस तरीके से इसे मैं गिरा दूँ, गिर जाइए। और अगर उस समय आप डगमगा गए और गिर गए, तब तो उनकी सफलता आ गई और वो उसमें सफल हो गए। अगर आप नहीं गिरे, ऊंचाइयों को छू लिए, तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे,
वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, ना कि फिर वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम लोग देखे होता क्या है कि गला कुछ ख़राब है, होता क्या जैसे कि अभी बता रहे हैं कोई पंडित या कोई भी इंसान जब अपनी सिद्धि को कोई संकल्प लेता है कि हमें ये सिद्ध करना है, हमें इस मंत्र को सिद्धि लेना है, या आप पूजा पाठ पे ही बैठे हो, अक्सर देखिए जो लोग पूजा पाठ पे बैठते हैं ना, कभी कभी अक्सर लोग को पूजा पाठ पे बैठते हैं तो उन्हें नींद आती है, क्योंकि उन्हें वो जो मलिच्छ है ना, वो जो चीज़ें हैं ना, उनको हटाती है पूजा की राह से कि तुम इसके योग्य नहीं हो। लेकिन आपका अगर लक्ष्य है तो मैं हूँ, मैं उसको नहीं हटने दूंगा, ये चीज़ें। तो कई ऐसे चीज़ें होती हैं, और वही जैसे बता रही थी कि अभी ये होता क्या कि जैसे हम बैठे हैं किसी चीज़ का संकल्प ले लिए कि हमें इसे सिद्ध करना है, और जब लोग सिद्ध करते हैं ना, सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं ना, तो मैं सुनी हूँ, मुझे मालूम नहीं, लोग कहते हैं कई ऐसी आत्माएँ उनके आगे पीछे चलती रहती हैं, उनके सिद्धि को जो सिद्धि करने जा रहे हैं उसमें बाधाएं आए, विघ्न आए, वो डगमगा जाए, वो पूरा ना हो, क्योंकि बुरे लोग का सोच वहाँ पे ख़त्म होने जाता है ना, इसलिए लोग सोचते हैं। तो उसी तरीके से जब किसी चीज़ की आप सिद्धि लेते हैं और सिद्धि को स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, बुरी आत्माएं शांति से अकेले में आदमी इंसान बैठ के सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उस समय बुरी आत्माएं उनके आगे पीछे मंडराती हैं, उनके मन को डगमगाती है, कई रूप ऐसे धारण करते हैं जो लोग को परेशान करते हैं। मैं सुनी हूँ, मैं की नहीं हूँ, बस मैं सुनती हूँ किसी लोग से कि ऐसी स्थिति आती है, सिचुएशन कि वो इस चीज़ से डगमगा जाए, उनकी पूरी ना, उनकी सिद्धि पूरी ना हो, वो इस चीज़ को कर ना पाए। उसी में कुछ लोग होते हैं डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये मेरे आगे भी, क्योंकि वो आपके मन को परेशान करता है, परेशान इसलिए करता है कि ये चीज़ में आप सफल मत होइए, आप सफल मत होइए। क्यों सफलता उसकी वो चीज़, क्योंकि उसकी तो गलत सोची रहती है ना, इसलिए वो सफलता आपको देख नहीं सकता है। उसी तरीके से और जो लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लाख हमारे सामने, हम अगर सिद्धि ले रहे हैं, एक सुंदर से सुंदर लड़की हो या लड़का जो भी लोग हो आ जाए, या कोई चीज़ बच्चे के रूप में आ जाए, कोई भी, आप अपने मन को विचलित मत करिए, आप उस कंटेंट को, अपने सिचुएशन को बनाए रखिए जो आप सिद्धि को लिए हैं, एक संकल्प लिए हैं, वो धीरे 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 कुछ समय होगा, लेकिन कभी हो सकता हो वो जो सिद्धि लिए हैं उस सिद्धि की ज़रूरत उन लोगों को भी पड़ जाए जो लोग आपको परेशान करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप जब ऊंचाइयों को पकड़ते हो तो धीमे धीमे आपसे गिराने खातिर लोग पीछे आपके खड़े रहते हैं और आपको गिराने का पूरा मूड ही बना रहता है, लेकिन आपका अगर कदम डगमगा गया तो आप गलत सिचुएशन पे आ जाओगे, लेकिन आप अगर संकल्प कर लिए हो तो उसे पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, अगर हमारे इस बात से किसी को, तो मैं मानती हूँ कोई भी कुछ कहे, आप अपने चीज़ों को मत गिराइए। अगर हमारे इस वीडियोस पे हो सकता हो काफ़ी लोग को मोटिवेट हुआ हो, कई लोग को इस पे अच्छा हुआ हो, तो जिस लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।